नमस्कार, मेरी और आपकी घड़ी बजने वाले हैं दोपहर के। तो ये वो वक्त है जब हम सब देखते हैं मेरा गांव मेरा देश का यूपी एडिशन। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, पश्चिमांचल, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, ये वो खंड हैं जिनका हम जिक्र करते हैं। लेकिन अगर हम तस्वीर विकास के नाम की देखते हैं तो ये पाते हैं कि पश्चिमांचल की बात हो रही है, पूर्वांचल की बात हो रही है, अवध की भी थोड़ी बहुत बात हो रही है, लेकिन बुंदेलखंड जो वीरांगनाओं की धरती रहा, इसकी बात क्यों नहीं हो रही है? बुंदेलखंड आखिर आज पिछड़ों में क्यों गिना जाता है? आज बुंदेलखंड को पिछड़ा क्यों बताया जाता है? बुंदेलखंड की जब हम चर्चा करते हैं तो एक और सीट है, विधानसभा सीट, जिसका नाम है महोबा। महोबा यानी देशावरी पान के लिए मशहूर महोबा। लेकिन महोबा में दरअसल कष्ट बड़े हैं। मैं क्यों कष्ट का नाम ले रहा हूं? कष्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महोबा का मतलब होता है महोत्सव का गढ़। लेकिन महोत्सव तो तब बने जब यहां विकास की गंगा बहे। विकास की गंगा तो दरअसल नहीं बही, लेकिन समस्याओं की गंगा दरअसल खूब बह रही है, बहुत तेजी से बह रही है। राकेश गोस्वामी साहब हैं, विधायक हैं, इससे पहले बसपा के विधायक थे, उनका देहांत हो गया, और जो अभी विधायक हैं ये 2007 में भी विधायक थे, मतलब अनुभव है। अनुभव है, महोबा से दूसरी बार भी विधायक है, लेकिन क्या किया और क्या नहीं किया, इसको लेकर चर्चा तो बनती है और चर्चा इसी पर करेंगे। क्योंकि जैसा कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि डिजिटल के माध्यम से करिए प्रचार प्रसार और फिर बनाइए अपना चुनावी सार। लेकिन इस पर एक और बात है कि नेता तो अपनी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नेताओं की बात को कितना सत्य माने, क्योंकि विपक्ष बहुत प्रैक्टिकल है कि विपक्ष जो है वो सत्ता पर तो हमला बोलेगा ही बोलेगा, और जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पर तो हमला बोलेगा ही बोलेगा। तो असलियत कौन दिखाएगा, सच कौन बताएगा? तो सच बताने के लिए इस कार्यक्रम की संरचना की गई है, और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको जमीनी हाल दिखाते हैं। ऊपरी ऊपरी बातें नहीं, सतही बातें नहीं, दरअसल तासीर से आपका ताल्लुक करवाते हैं कि आखिर क्या कुछ कह रही है विधानसभा, इसकी जमीन में क्या है, क्या हरकत कर रही है, सत्ता का टेम्परेचर यहां कितना हाई है या कितना लो है। विधायक जी ने जो काम कहे थे, जो वादे किए थे, जो दावे किए थे 2017 से पहले, क्या 2022 के मुआयने पर जब हम खड़े हैं तो क्या वो बातें, वो दावे, वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं, इसको लेकर चर्चा तो बनती है और आज इसी पर होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा महोबा का दर्शन कराते हैं, महोबा का दर्शन कराएंगे आपको तस्वीरों के जरिए कि आखिर महोबा दिखता कैसा है। आप मेंटल रूप से उसमें पहुंचिए, मानसिक रूप से उसमें पहुंचिए और देखिए कि महोबा कैसा दिखता है। तो जब आप महोबा के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो आपको सड़कें टूटी हुई नजर आती हैं, पानी भरा हुआ नजर आता है, जल जमाव नजर आता है, जो कि बहुत कुछ कहता है। तो महोबा विधानसभा की बदहाल तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं, आपको महोबा विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। महोबा विधानसभा, आप महोबा का मतलब समझते हैं? महोबा का मतलब होता है महोत्सव का गढ़। अब ये टूटी सड़कें, इनमें कैसे बनेगा महोत्सव का गढ़? ये देखिए, ये देखिएगा, तस्वीर देखिएगा, जल जमाव की तस्वीर देखिए, यहां महोत्सव बनेगा, ये महोत्सव का गढ़ कहलाएगा। कैसे कहलाएगा ये महोत्सव का गढ़? ये आज की तस्वीरें हैं, ताजा तस्वीरें हैं, कोई बासी तस्वीर नहीं आपको दिखा रहे हैं। आपको देखने में लगेगा कि 1956 की तस्वीरें होंगी, लेकिन यकीन करिए ये 1956 की नहीं बल्कि जनवरी की और 2022 की तस्वीरें हैं। तो जनवरी 2022 में ये तस्वीर आपके सामने है। चलिए ठीक है, हो गया तस्वीरों का, आप ऑन एयर लीजिएगा जरा। तो तस्वीरों के जरिए आपको बताया कि दरअसल महोबा दिखता कैसा है। अब आप थोड़ा सा जरा सोचिए कि महोबा को क्या बजट नहीं मिला, महोबा के पास क्या पैसा नहीं आया? सब कुछ आया, विधायक निधि आई, सब कुछ आया, सांसद निधि आई, सब कुछ आया। लेकिन अब जब सांसद निधि, विधायक निधि तो चली गई चाय नाश्ते में, तो यही तो तस्वीरें आप देखेंगे, हम और आप। तो यह है महोबा की सच्चाई जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो महोबा दिखता कैसा है ये हमने आपको दिखा दिया, समझा दिया। राकेश गोस्वामी साहब यहां के विधायक हैं, वो भी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उनको भी देखना चाहिए और उनको महसूस करना चाहिए कि एक आम जन इन तस्वीरों को देखकर क्या महसूस करता होगा। इन तस्वीरों को सुंदर भी बनाया जा सकता था,
और यकीन कीजिए कि हमने जितनी विधानसभाओं को आपका दर्शन कराया होगा, उस विधानसभाओं में से 2 या 5% विधानसभाएं ऐसी रही होंगी जहां ऐसी तस्वीरें ना मिली हो। मसलन हर जगह यही हाल है, हर जगह की यही तस्वीर है। ऐसे में हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल कश्यप हमारे संवाददाता हैं, जो हमको बिल्कुल जमीनी, बिल्कुल राहुल कश्यप को जोड़ेंगे हम, जो हमको जमीनी हकीकत बताएंगे अपने, जो वो समझते हैं, क्योंकि गांव कूचा सड़क चौराहा नुक्कड़ दुकान दुकान घर मकान सब सियासत को हर घर दरवाजे से समझते हैं। राहुल कश्यप जी, आप लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, राहुल कश्यप जी हमारे साथ हैं महोबा से। राहुल जी, सबसे पहले तो तस्वीर क्लियर कीजिए, 2017 से लेकर आज जब 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल हमारे सामने है, ऐसे में मुझको सबसे पहले तो ये समझाइए और हमारे दर्शकों को समझाइए कि महोबा में क्या कुछ बदला या नहीं बदला, या जैसा 2017 में महोबा था 2022 में भी वही वाला महोबा है। कावन जी, मैं आपको बता दूं कि जो 2017 में और ये महोबा जो विधानसभा सीट है, ये अधिक से अधिक ज्यादा जितना भी हुआ है, विकास तो ठीक है, लेकिन इसमें जो ब्राह्मण बहुल नहीं रही है, ब्राह्मण बहुल ज्यादा है, ठीक है। तो विकास की बात करें, विकास पहले जो वर्तमान में विधायक है 2007 में, चलिए ठीक है। राहुल जी, आपका ऑडियो ऑडियो फिक्स करवाना पड़ेगा, आपको ऑडियो फिक्स करवाना पड़ेगा। राहुल जी का ऑडियो फिक्स करवाइए, तब तक विजुअल्स लाइए ऑन स्क्रीन। जरा विजुअल्स के जरिए ये देखिएगा, विजुअल्स आपको बिना, अगर मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, अगर शब्दों को रखूंगा भी नहीं, अगर तस्वीर के पीछे से आवाज दूंगा भी नहीं, तब भी तस्वीरें खुद ब खुद बहुत कुछ बयां करती हैं। अब इन तस्वीरों के पीछे से मुझे ये बोलने की आवश्यकता है भी नहीं, ये देखिए बदहाल तस्वीर देखिए महोबा की, क्योंकि तस्वीरें खुद बोल रही है और तस्वीरें खुद बता रही है कि महोबा कैसा दिखता है। दूर से अगर देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि महोबा जो है वो देशावरी पान के लिए मशहूर है, महोबा जो है वीरांगनाओं की भूमि रहा है, महोबा जो है एक ऐसी धरती रही है जहां महोत्सव के गढ़ की बात की जाती थी। लेकिन आज डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर जब भाषणबाजी होती है, एजेंडा सेट होता है, मैनिफेस्टो बनता है, बुकलेट बनती है, प्रचार प्रसार होता है, तब उन प्रचार प्रसार की तस्वीरों में, उन बुकलेट में, बड़ा बड़ा पोस्टरों में, मैं तो कहता हूं पोस्टर लगवाइए, इन तस्वीरों के पोस्टर लगवाइए बड़े बड़े, और तस्वीरों में दिखाना चाहिए, यह विपक्ष को दिखाना चाहिए। और इससे कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियां तय होती हैं, आप बंधते हैं इन तस्वीरों को बड़े बड़े पोस्टरों के जरिए हर चौराहे नुक्कड़ गली के बाहर लगा देना चाहिए और दिखाना चाहिए कि महोबा ही। और अगर ये महोबा नहीं दिख सकता वैसा जैसा सपना दिखाया जाता है, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि विधायक को, किसी भी विधायक को रिपीट कराया जाए, उनको फिर मौका दिया जाए, बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। राहुल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, राहुल कश्यप जी, ठीक है, हम वही जानने की कोशिश कर रहे थे कि महोबा 2017 और महोबा 2022 कितना अंतर, कितना बदलाव। जी हाँ काविन जी, मैं 2017 से लेके 22 का सफर, जो 17 में व्यापारी वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग पूर्व 2022 तक से आते कमर टूट चुकी है, व्यापारी वर्ग जो है बदलाव मांग रहा है, और विकास के नाम पर सड़के हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, विकास पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। और ये और समझाइएगा कि कई जगह हम सुन रहे हैं कि विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं, यहाँ के विधायक जी का क्या हाल है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए लोग तो ये है कि यहाँ के विधायक, विजुअल चलाते रहिए, विजुअल चलाते रहिए, आप बोलते रहिए राहुल जी, विजुअल चलाइए जरा।
चलिए, कनेक्शन की समस्या है, कनेक्शन की समस्या दस्तूर जारी है, तो कनेक्शन को बिल्ड करने के दोबारा स्थापित जनता पार्टी से लड़ सकते हैं। बिल्कुल, ऑडियो फिक्स करेंगे, कनेक्शन भी फिक्स करवाएंगे राहुल जी आपका। समस्या अभी भी जारी है, समस्या को ठीक करना होगा और हम समस्या के साथ समाधान की भी बात करेंगे, तो समाधान जल्दी निकालेंगे। अपने डायरेक्टर साहब से कहूंगा कि समाधान पर काम करिए और जल्द से जल्द राहुल कश्यप जी का ऑडियो फिक्स करवाएगा, इनका कनेक्शन भी थोड़ा सा दोबारा से स्थापित करवाइएगा। तो महोबा की हम बात कर रहे हैं, महोबा की तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं, बहुत कुछ कह रही हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि कैसा दिख रहा है महोबा। महोबा की दरअसल अगर पृष्ठभूमि की बात करें, महोबा के बारे में जब आपको ज्यादा बताते हैं तो यहां दिखता है कि यहां पर 1995 में, 1995 में महोबा जो है वो एक अलग जिला बना था। इससे पहले आपको बता दें कि महोबा जो था वो हमीरपुर का हिस्सा था, लेकिन महोबा जो था वो हमीरपुर का हिस्सा था, लेकिन अब वो हमीरपुर से अलग होकर खुद एक जिला बन गया 1995 में, जिसके बाद यहां सपा भी रही, बसपा भी रही और बीजेपी तो है ही है। ऐसे हमारे साथ राहुल कश्यप जी का ऑडियो फिक्स हुआ है कि नहीं उसको चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए, आम दर्शक है, रैंडम है बिल्कुल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइएगा अपना। मुस्कान यार, आप अपना नाम बताइएगा, नाम बताइएगा आप अपना। विक्राम खान। विक्राम खान, चलिए ठीक है। विक्राम जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि महोबा 2017 में जैसा दिखता था 2022 में कितना बदला है महोबा, बताइए। महोबा की तो बदहाली है इस वक्त, इसलिए कि ना तो यहाँ पे कोई विकास है, ठीक है। जो मान लीजिए ग्रामीण के जो रोड हैंगे, उन रोडों की कंडीशन बहुत ही खराब है, ठीक है, कि यहाँ से मतलब वाहन अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए उसको जल्दी जाने के लिए तो वो एक घंटे की जगह वो चार घंटे में सफर तय करेगा। 2017 में किसको वोट दिया था इकराम जी? 2017 में सपा को दिया। अब सपा को वोट दिया था, अच्छा, तो आप समाजवादी पार्टी से हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उस वक्त तो गड्ढा मुक्त हो भी गए थे, ठीक है। इस बार किसको वोट देने का मन बना रहे हैं? इस बार किसको वोट देने का मन है, माहौल क्या है? जो कैंडिडेट सही होगा उसको देखा जाएगा। सागर सिंह को देख रहे हैं इस बार तो हम। किससे, किस पार्टी से है वो? कांग्रेस। इस बार कांग्रेस को देख रहे हैं आप, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी? मतलब प्रदेश पे सरकार बनने के तो चांसेस बहुत कम बताए जा रहे हैं। ऐसा है ना कि इस बार को मतलब बहुमत से किसी की गवर्नमेंट नहीं बननी है। सपा के कई गठबंधन हो चुके हैं, ठीक है। तो आज मान लीजिए जब जहां एक कुर्सी के चार पाए होंगे तो आज नहीं तो कल वो तो खेचा पानी में टूटेगा ही। ठीक है, आवाज काफी ज्यादा बुलंद हो रही है आपकी, बुंदेलखंड से आप बात कर रहे हैं लेकिन आवाज ज्यादा कुछ बुलंद है, आवाज को थोड़ा सा टोन डाउन करिए। हॉल में है। हाँ, हॉल में है, हॉल में नहीं, आप तो हॉल में हैं लेकिन यहाँ पर जो हमारी टेक्निकल टीम है उसने आपकी आवाज को बहुत ज्यादा बुलंद कर दिया है। प्लीज, बुंदेलखंड की आवाज है लेकिन इतना भी बुलंद नहीं करना है, थोड़ा सा आवाज को फिक्स करिए जरा जी। क्राम जी, अब मुझको ये समझाइए कि 2017 में जब बीजेपी आई थी तो प्रचंड बहुमत के साथ, बंपर वोटिंग के साथ हर जगह बीजेपी के विधायक नजर आते हैं। हम जितनी विधानसभाओं में गए हैं, इक्का दुक्का को छोड़ छाड़ के देखेंगे तो हर जगह बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन क्या है माहौल, बताइए। अब आप अपने से अलग अपने समाज के लोगों की भी बात करिए, आप मुझको माहौल बताइए जरा कि महोबा में आप क्या समझ रहे हैं, इस बार क्या दिख रहा है? इस बार सपा की चल रहा है, गठबंधन दिख रहा है इस बार आपको? पार्टी को, हाँ, समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। आप इकराम जी बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे, आप पहले बोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दूंगा, फिर आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का माहौल दिख रहा है। हम माल देखिएगा, ऐसा है कि चार लोग हैं तो चारों की सोच अलग होती है ना। हमारी जो सोच है वो मैं कांग्रेस को वोट करता हूँ।
हाँ ठीक है, लेकिन हमें ये मालूम है कि सपा की गवर्नमेंट बनेगी, हाँ, और आज नहीं तो कल वो बिखरेगी, ये भी है। अच्छा, बहुत इम्प्रेस्ड हैं आप सपा। जब एक कुर्सी में चार पाए अलग अलग होंगे। अब आप ये बताइए मुझको, आप वोट देंगे कांग्रेस को और चाह रहे हैं कि सपा की गवर्नमेंट बन जाए स्टेट में? देखिएगा, ऐसा है कि हमें आपको नहीं लगता कि आपकी इसी वजह से कहीं बीजेपी ना सत्ता में आ जाए, रिपीट कर जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है इकराम जी, असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो आ जाए तो कौन सा, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, तो गिनती नहीं है ना। वो कह रहे हैं कि गिनती ही नहीं है। ठीक है ठीक है, वो कह रहे हैं मुसलमानों का बहुत शोषण हुआ है, बहुत हर पार्टी ने उनका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, समाजवादी पार्टी ने तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है उनका। देखिएगा ऐसा है, हाँ, कि ये पार्टी चार दिन की है, हाँ, पहले नेलोपा भी तो आई थी, नहीं है, उन्होंने क्या किया, क्या आने वाले समय में बिक जाएंगे और क्या। चलिए ठीक है, फोन लाइन पर भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर जो दर्शक है उनको लेंगे। इकराम जी आप मेरे साथ बने रहिए, फोन लाइन पर भी एक दर्शक है हमारे साथ। नमस्कार, नाम बताइएगा अपना। चले ठीक है, ये चले ठीक है, फोन लाइन को भी ड्रॉप करिएगा जरा। ये इकराम जी आपके साथ कौन है, इनसे भी परिचय करवाइए। इकराम जी कौन है आपके साथ, इनसे भी परिचय करवाइए। ये हमारे मित्र हैं चरखारी से, चरखारी विधानसभा से। अच्छा, चरखारी विधानसभा से हैं जी। चलिए ठीक है, जब चरखारी की बात करेंगे तो आपके मित्र से भी बात करेंगे। जी जी, अभी के लिए प्रणाम है आपके मित्र को। जी सर। ठीक है इकराम जी, अब एक और चीज बताइएगा मुझे कि कोरोना काल से अभी हम लोग निकले और तीसरी वेव भी बिल्कुल सामने खड़ी है, ऐसे में जरा ये बताइए कि स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ काम हुआ? बिल्कुल सच बताइएगा, स्पेसिफिक तौर पर स्वास्थ्य के बारे में, बाकी विकास की जो गाड़ी है, जो रथ है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य विकास के लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या काम हुआ कोरोना काल के दौरान महोबा में? देखिएगा ऐसा है, हमारे साथ साथ इसको मालूम है, हाँ, स्वास्थ्य को लेकर क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कितनी कमी रही है, ठीक है, के मतलब ऑक्सीजन के वजह से कितनी मौतें हुई। नहीं 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 नहीं, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं इकराम जी, इकराम जी, इकराम जी, इकराम जी, आराम जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऑक्सीजन की कमी हर जगह रही, मौतें भी हुई, ये सब हमको पता है, मैं ये जानना चाहता हूँ महोबा में कुछ हुआ, समाधान की बात करूं तो, समाधान की नजर से, मतलब विधायक जी ने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स किए, अपनी तरफ से कुछ सपोर्ट किया? कोई सपोर्ट नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं। ठीक है, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बताइए, बेरोजगारी का क्या हाल है, बेरोजगार क्या कर, क्या हाल है बेरोजगारी? बेरोजगारी तो मतलब परम सीमा पे है। ठीक है, आप क्या करते हैं इकराम जी? हमारा बिजनेस है। अच्छा, व्यापारी हैं आप? व्यापारी हैं, व्यापारी के लिए, अबे हमारे संवाददाता साहब बता रहे थे कि बड़ा परेशान है व्यापारी। हाँ है। कैसे, किस लिए परेशान है ये बताइए? परेशानी इसलिए है कि जब मान लीजिए एक मतलब जीएसटी ज्यादा कर दी है, जो पहले 14% था, ठीक है, अब 18% 28% है, तो सपा आएगी फिर भी, तो सपा आएगी फिर भी ये जारी रहेगा, इससे क्या समाधान होगा? देखो क्या होता है, क्या नहीं, वो तो केंद्र की मतलब उनने केंद्र से पास हुआ है तो वो तो चलेगा ही, ठीक है, लेकिन बिजनेस में कुछ ना कुछ तो राहत आएगी, क्योंकि इस वक्त तो मान लीजिए ये है कि जब मान लो कोई चीज है, आप जैसे मान लो कोरोना भी हो गया, टूट पे टूट लग रही है, पहले तो फर्स्ट में नोटबंदी का आया तो बिजनेस धीरे धीरे डाउन हुआ, जब किसान के पास भी किसान की है बदहाली है, तो बुंदेलखंड पूरा का पूरा किसान पे डिपेंड है, और जितना बिजनेस है बुंदेलखंड में तो वो रहता है सारा किसान पे। चलिए ठीक है, एक बाजू वाली खिड़की में देखिए, आपके एक संगीत साथी और जुड़ गए हमारे साथ, एक और दर्शक हमारे साथ है, नाम बताइएगा जरा अपना। अमित त्रोती नाम है सर। ठीक है इकराम जी, देखिए उनकी, इकराम जी की बिल्कुल मुस्कान चली गई, इतने परेशान है, लेकिन ये देखिए आप जो हमारे साथ जुड़े हैं मुस्कुराते चेहरे के साथ, ऐसा तो नहीं है मुस्कुराते चेहरे राज गहरे वाली कहानी, आप बताइए क्या चल रहा है महोबा में, माहौल क्या समझ रहे हैं आप?
देखिए माहौल जो अगर राजनीति की दृष्टि से कांग्रेस को छोड़ते हुए किसी की राजनीति की घोषणा नहीं की है, हालांकि अब तक जो देखा जाए कहीं ना कहीं भारतीय जनता नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से कहा है निश्चित तौर पर बुंदेलखंड में और तमाम जगह अच्छा प्रभाव पड़ने वाला। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अभी शुरू नहीं हो पाया है, हालांकि काम तो अभी बुंदेलखंड वासियों को सरकार की सौगात है हम सब से मिलने वाली है, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि सरकार ने एक्सप्रेस वे दिया। बीजेपी आएगी या जाएगी? मेरा जो अपना है कि बीजेपी आएगी। देखिए ये बड़ा यही तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत तस्वीर है कि आप दो खिड़की में हैं, एक कह रहे हैं कि बीजेपी जाएगी सपा आएगी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी फिर आएगी। इकराम जी बताइए इनको क्या चीजें अच्छी लगी जो आपको खराब लग रही है? अरे इकराम जी की आवाज क्यों म्यूट कर दिए भाई? हाँ इकराम जी, हाँ इकराम जी मैं कह रहा हूँ जो हमारे साथी एक जुड़े हैं वो तो ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी फिर आएगी जी जी और खुश है, तो वो तो समय बतलाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, समय बताएगा आपके। मान लीजिए कुछ भी कहे, हाँ वो कुछ भी कहे, हाँ वो तो लास्ट में देखा जाएगा कि क्या है, क्या सत्य क्या है। नहीं ऐसा है ना, मैं ये चीज और थोड़ा समझना चाहता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी रही है, समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 तक रही है प्रदेश स्तर पर जी। तो उस दरमियान वो कौन से काम हुए जो बीजेपी सरकार में नहीं हुए और आप आज कह रहे हैं कि हम एक बार फिर सपा को चाहते हैं? सपा ने आपके लिए क्या किया? उंगली पकड़कर आपको राशन दिया, उंगली पकड़कर सपा ने आपको गैस सिलेंडर दिया, मकान दिए, क्या दिया? मतलब मैं वो जानना चाहता हूं बस। उसने एक विकास तो दिया है ठीक है, महोबा में क्या, महोबा में महोबा में क्या दिया था समाजवादी पार्टी? क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या किया नाम बदलने के अलावा? क्या किया? चलिए ठीक है, नाम बदले हैं इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है आप क्या कह रहे हैं? आप ही से पूछो, हाँ बताइए। देखिए पार्टी की बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास हो, प्रणाली हो, तमाम चीजें, तो इससे लोगों में एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है देखा जाए तो गुंडे एक तरह से कम हो गए, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, समानता से देखा गया है। नहीं तो कभी कभी अगर पहले की सरकार में देखे तो ऐसे अत्याचार सामने आए जिससे उठे, तो इस सरकार में ये एक चीज सामने आई है, वो भी प्रसन्न रहा है, चाहे हिंदू तो वो भी प्रसन्न रहा है। ठीक है, अब ये बताइए, इकराम साहब मुझे बता रहे थे कि स्वास्थ्य को लेकर कोई सपोर्ट, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग मर रहे थे, they were dying. उन्हें पता नहीं है बुंदेलखंड है, मोहब्बत ये है कि ऑक्सीजन की कमी तो नहीं थी लेकिन यहाँ डॉक्टर की कमी थी। महोबा जिले में पड़ा है तो यहाँ पर 500 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से थे, महोबा में प्लांट थे, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी थी जो एक बहुत की समस्या थी। ठीक है, अब ये बताइए मुझको कि आप अपने विधायक जी को, गोस्वामी साहब को कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से, कितने नंबर देंगे ये बताइए? कितने नंबर दे रहे हैं आप गोस्वामी साहब को, विधायक जी को? नौ नंबर। इकराम साहब आप -9, हमें उन्हें एक नंबर दे रहे हैं। एक नंबर किस लिए दे रहे हैं आप ये बताइए, एक नंबर किस लिए दे रहे हैं सर? इसलिए कि कुछ उनका मतलब व्यक्तिगत है। अच्छा व्यक्तिगत है इसलिए एक नंबर, चलिए ठीक है। ये बताइए अगर गोस्वामी साहब नहीं तो महोबा में आप किसको लाना चाहते हैं, कौन नेता आपको समझ आ रहा है? अभी देखिए किसी ने अपने पत्ते खोले नहीं है, लेकिन मैं जहां तक समाज की बात करूं तो जो पूरी तरह मैं
आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है, आपकी आवाज पूरी तरह से आ नहीं रही है, लेकिन आशा करता हूँ कि आप जो भी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया ही बोल रहे होंगे। इकराम साहब, गोस्वामी साहब नहीं तो फिर कौन? हम तो मान लो यहाँ से चाह रहे हैं सागर को। किनको चाह रहे हैं आप, किनको चाह रहे हैं एक बार और बता दीजिए। नहीं नहीं, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, व्यक्ति विशेष का नाम बता दीजिए आप जिसको चाह रहे हो कि उनको बनना चाहिए यहाँ का विधायक, तो कुछ होगा। सेंगर साहब। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप नाम बता दीजिए उस व्यक्ति विशेष का जिसको आप चाह रहे हैं कि उनको बनना चाहिए विधायक। सेंगर साहब तो कांग्रेस से। अच्छा अच्छा ठीक है, कांग्रेस के ही आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस से ही विधायक बने, लेकिन समाजवादी पार्टी को आप प्रदेश सरकार में देखना चाहते हैं, और आपके जो साथी बाजू वाली खिड़की में है वो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी सरकार ही वापस आएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिए, बहुत खूबसूरती के साथ आपने बातें रखी, बहुत दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो महोबा महोत्सव का गढ़ है, लेकिन जब हम बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर देखते हैं, पूरे स्वरूप को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, तो पता लगता है कि कितना पिछड़ा है। और ताज्जुब की बात है कि आज तक किसी बड़े मंत्री ने यह कहते हुए इस्तीफा नहीं दिया कि मैं बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं, क्योंकि किसी ने यहां के लिए कुछ करने की सोची ही नहीं, ठानी ही नहीं। जब हम जमीनी सर्वे की बात करते हैं तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम आता है कि वो जब बसपा में थे तब जरूर यहां पर काम होता दिखता था, नजर आता था, लेकिन अब तो मामला पूरा गर्त वाला है। तो महोबा जो कि वीरांगनाओं की धरती है, महोबा जो कि 1995 में हमीरपुर से अलग हुआ कि यहां पर कुछ विकास दिखेगा, लेकिन वो विकास आज तक यहां पैदा क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। और महोबा वालों के लिए हर 5 साल के बाद जो ये चुनावी बवाल आता है इसमें ये सवाल उठाना चाहिए कि विधायक तो बन जाते हैं, सरकारें तो बन जाती हैं, लेकिन महोबा कहां रह जाता है, यह बड़ा सवाल है। इसके साथ आपको छोड़ के जाता हूं, कल एक बार फिर एक नई विधानसभा के साथ आपसे मुलाकात करूंगा, बातचीत करूंगा, चर्चा करेंगे और हल निकालेंगे। समस्या सबको पता है, समाधान पर बातचीत होनी चाहिए। शुक्रिया।